वेलकम टू स्विगी फूड। मैं हूँ मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे देसाई वड़ा। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में एक कप ज्वार का आटा ले लेंगे। ये किसी भी मॉल में या चक्की पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे मैंने पहले ही छान के रखा है। इसी के साथ हम 2 से 3 चम्मच जितना गेहूं का आटा डालेंगे। जो बारीक आता है वही लिया है। थोड़ी सी हल्दी और आधा कप दही डालें। दही थोड़ा खट्टा और रूम टेम्परेचर का लेना है। अब इसे मिक्स कर लें। अब जरूरत अनुसार इसमें पानी डालते जाएं और इसका गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार करें। आप चाहो तो इस टाइम पे इसमें जो सूखी मेथी के दाने आते हैं वो डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। अभी मैंने वो इस्तेमाल नहीं किए। इसका बैटर पतला ना हो जाए उस बात का खास ध्यान रखना है और बिल्कुल भी गुठलियां ना बने, उस हिसाब से इसका गाढ़ा बैटर बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दे और इसे पूरी रात या 8 से 10 घंटा ऐसे ही रहने दे। तो मैंने इसे 8 से 10 घंटा रहने दिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से फर्मेंटेशन होकर तैयार हो गया है। इसमें जाली वाला टेक्सचर नहीं आता लेकिन ये आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसमें मसाले करेंगे। इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालें। नमक डालेंगे थोड़ा सा। चुटकी भर हल्दी डालेंगे। हमने हल्दी पहले भी डाली है तो थोड़ी सी ही डालनी है। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इसमें अदरक हरी मिर्च की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद 1 चम्मच गरम तेल हम इसमें डालेंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें इनो, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना और इस तरह से बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। अब मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। गरम तेल में हम इस तरह से वड़े बनाएंगे। आप चाहो तो थोड़ा पानी वाला हाथ करके भी वड़े बना सकते हो। जितने भी वड़े आपको बनाने हो उस हिसाब से आप इसमें वड़े डालें और फिर गैस की आंच मीडियम करके इसे पकने दें। इसे कभी भी धीमी आंच पर फ्राई ना करें, नहीं तो इसमें तेल रहता है और अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करते हो तो ये ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाता है और अंदर से कच्चा रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटाते रहेंगे ताकि सभी साइड से इसका इवन कलर हमें मिले। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो गया है। इस तरह से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आए तब हमें इसे बाहर निकाल लेना है और इसी तरह से बाकी के वड़े फ्राई करके तैयार करने हैं। तो जो वड़े हमने बनाए हैं वो कैसे बने हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये ऊपर से थोड़े क्रिस्पी और अंदर से एकदम जालीदार बनते हैं। तो ये जो उसका टेक्सचर आता है जालीदार, उससे ही पता चलता है कि ये कितने परफेक्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वड़े बनाकर जरूर ट्राई करें। इसे आप बाहर ही 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।